कुत्ते आपके, जज आपके, वकील आपके, आप उसे कोर्ट में पेश करो ना। आप हमें कुछ नहीं मांगे, आप हमारे वसीले लूट लिए, हमने आपसे कुछ मांगा? आप तेल हमारे सारे वसीले जो सारे लूट लिए, हमने कुछ नहीं है, बस हमें ये मेहरबानी कर दे। हमारे जो फकीर जहाज सिंध में घूमते कारकुन है, बलोचों को, पश्तूनों को, जिसको उठा लिया, मेहरबानी करूँगा, आज़ाद करो। हमें आपसे कुछ नहीं मांगते, बस ये है हमें आ रहे बंदे को हम वापस कर दो। तमाम लापता सीरान को हम बलोच बचाने निकले हैं, हम भाई बचाने निकले हैं। अभी मैं जुमा खान की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जुम्मा खान बलोच को, बलोचिस्तान में नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी, तमाम लापता असीरान को यूएनओ की खामोशी, यूएनओ की खामोशी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुमा खान मरीटो का, मैं ताल्लुक सिद्धि है कोट तली दे कलकरी। मैं ये पंच नौजवान है वरना बरकार मैं हम आगो अकेला कर आपको हमेशी वास्ता आपको अर्जा करगा सवाला करगा। ईशांत माफ गुरा, ईशांत गुहार गुरा, ईशांत ब्रास गुरा, ईशांत पिस गुरा। मेहरबानी आका यह खानदान है पंच मरदम गार आहने लोग हर चे जिंदगी भी आहने लोग हर चे वर्ग हजम भी आने लोग चे खुशी महसूस भी। अर्जा करगा अपीला करगा पाकिस्तान आला अदालत शाह मेहरबानी आ कने ईशानी हर जुर्मे हर गुना है हर शय अस्ते तवकल बलोच हाजी मेरली वलद और दूमी बख्तली वलद हाजी मेरली सैमी सोराब वलद बख्तली चारमी अमल खान वलद कह कादिर खान पैजमा मंद वलद कादिर खान ए पंच मर्दुम या फैमिली है या खानदान है गारा आहनी लोग चे दुख भी आहनी लोग चे सुख भी चे खुशियाँ सकना। अल्लाह ही वास्ता पाकिस्तान आला अदालत में अपीला करगा सवाला करगा अर्जा करगा। अगर ईशानी डोहे जुर्मे इसते मेहरबानी का आहा आला अदालत पेश का हमानी सजा मुकर्रर का। अगर जिंदगा आहा वारसानी हवाला का अगर आ मुर्तियाँ तो आहनी कब्रा सबूतानी माँ मर्दमानियाँ पेश का माँ आला अदालता अपीला करगा सवाला करगा अर्जा करगा ए वरना मगा पैदा का मार ईशानी दुख तकलीफ हते आबाज अमिकर के गुशो मुकर कम में अल्लाह ही सवाला मन रसूला मन घोला मन कुराना मन तद औलाद वाली है तद बच्चा वाली है तराज अल्लाह हर चीज दस गा मास दस गा गुआर दस गा ब्रास दस गा तो हम आनी वास्ता अब तरा आखिर वसी दोस्त नहीं है तो तिया नहीं आमिर का गन गाए ये मेहरबानी या का आला दालता में अपीले में शाह बाजियाब का सजा वाली या सजा मुकर्रर का हम कोर्टा अदली हाजिर का। अगर हम जिंदगे आहा वारसानी हवाला का आला दालता अपीला करगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एक ऐसी बेटी है जो अपनी वालदा की दो बहनों की एक बहन नहीं बल्कि भाई है। वो बाप का भी हक निभा रही है, वो बहन का भी, वो भाई का भी। वो बच्ची बलूचिस्तान के एक ऐसे खत्ते से ताल्लुक रखती है जहाँ इंसान को मालूम ही नहीं होता कि ये कैसा जिंदगी है हमारी। वो बच्ची रात को सोते वक्त अपनी बाबा की तस्वीर सीने से लगा के रोती है।
वो बच्ची जब कैंप में इंटर होती है वो अपने बाबा की तस्वीर देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने कभी जिंदगी में इतने मुश्किलात का सोचा नहीं था। वो ये समझती है कि मैं एक बहन बनकर अपने माँ के लिए बेटा नहीं बन सकता, लेकिन मैं कहती हूँ वो बेटी कम अपनी फैमिली के लिए बेटा ज्यादा है। मैं सिराज की बेटी माहीन बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नाम माइन बलोच है और मेरे वालिद मीर सिराज जत्तर जो कि पिछले 7 सालों से लापता है। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जो छोटे से उम्र में अपने वालिद का प्यार तक नहीं देखा। मैं किस मुंह से ये कहूँ कि मेरे वालिद हमारे घर में नहीं है और हम दर पदर टोकरे खा रहे हैं, हम यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, हम जिंदा लाश बन चुके हैं। हमारी ज़िंदगी हद से ज़्यादा तकलीफ ज़दा है। सबसे ज़्यादा तो मेरी बहनें जो हर वक़्त उनकी सवालों का जवाब मेरे साथ नहीं है, उनकी सवालात ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया है। ये FC वालों ने इतना हम पे जुल्म किया कि जिस दिन मेरे बाबा पेपर देने गए उन्हें बुखार किया था। बुखार की हालत में मेरे बाबा को लेके गए। और ये रियासत पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, इतना जुल्म करके क्या साबित करना चाहता है। हर दिन हर वो रात मुझे नहीं पता था कि गम क्या होते हैं जब हमारे बाबा हमारे साथ थे। और अभी तो हम खुशी को ही भूल गए हैं कि खुशी होता क्या है। अब तो हमें नहीं पता कि ज़िंदगी क्या होती है, खुशी क्या होता है। अब तो हर तरफ गम ने हमें घेरा हुआ है। अब तो हम अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। हमें कुछ नहीं पता ज़िंदगी क्या होती है, खुशी क्या होती है, वालिद का प्यार क्या होता है। हम लोग चूर हो चुके हैं, हमारी खुशियों जैसा घर तोड़ दिया है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है इस FC वालों ने, इस रियासत ने। हमें जलील कर दिया है इस रियासत ने। मेरी दादी पागल हो गई है, मेरी बहनें पागल हो गई है, हमारा घर चूर हो गया है। मैं क्या कहूँ, किस अल्फाज से इन 7 सालों में मैं बताऊँ कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं सहा है। ये तकलीफ क्यों हमें दिया जा रहा है, आखिर क्या साबित करना चाहते हो, किस जुर्म के तहत हमें इतना जलील कर रहे हो आप लोग, किस जुर्म के तहत हमने कौन सा गुनाह किया है। मेरे वालिद ने किसी बच्चे का दिल नहीं दुखाया, फिर वो जुर्म कैसे कर सकता है, वो गुनाह कैसे कर सकता है। अल्लाह हमारे घर को क्यों ऐसे तोड़ दिया आप लोगों ने। हर तरफ खुशी आती हमारे घर में, हर तरफ रौनकें थे, हंसी थी। अब तो हम हंसी भी भूल गए हैं, हंसे कैसे, किसको हम दर्द सुनाए, कौन सी जबान आप जानते हो, किस जबान में हम आपसे बात करें, हमारी आवाज को सुने। बैरी हो गई है ये रियासत। इस रियासत को अभी कुछ भी हम क्या बोले इस रियासत को, मगर अभी हम मेरे बाबा को सब कहते थे कि आपको बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, लेकिन मैं बेटी नहीं, मैं बेटा कहलाऊंगी। अभी अपने बाबा को, मेरे बाबा जहां भी है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। और मुझे फ़ख्र है कि मैं बलोच हूँ और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अभी मैं दिलेर बनूँगी। इन 7 सालों में बहुत से तकलीफ़ मैंने सह लिए, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं सह सकती।
अभी मैं अपने बाबा को खुद लौटाऊंगी, जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, और सारे बलोच, ये सारे बलोच जहाँ पे है ना, हम सब अभी बहुत मजबूत बन चुके हैं, और हमें मजबूत इस रियासत ने बना दिया है, इतना तकलीफ दे के हमें मजबूत इस रियासत ने बना दिया है। ये अजियतें देख के, ये दर्द देख के, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी ये तकलीफ, हमारी अजियतों का बदला बहुत जल्द लेगा। डरो अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशियों के लिए डरो। इन माओं को तकलीफ दे के आपको क्या मिलता है, हमें दर पदर करके आप लोगों को क्या मिलता है। मैं यहाँ बैठे सारे दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इन फैमिलीज को सुना। मैं मानती हूँ आप लोग इस दर्द को फील नहीं कर सकते, लेकिन इनके आंसुओं ने आप लोगों को ये बात से वाकिफ किया होगा कि दर्द कितना बड़ा दर्द होता है। एक शख्स का गुम होना, एक शख्स का जुदा होना इंसान को ख़त्म कर देते हैं। मिन्नतवार।